पहले लोग नमाज पढ़ने से, हलाल खाने से, किसी को ना सताने से, शरीयत मुस्तफा पर चलने से वली हो जाते थे, और अब पांच वक्त की नमाज पढ़ रहा मगर मस्जिद की गेट पे झूठ बोल लिया। अल्लाह खुद फरमाता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह क्या फरमाता, मैंने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया। किसके लिए बोलो? इबादत के लिए। नफी के बाद इस बात है, ये उलमा जानते हैं, यहां पर पढ़े लिखे सैयद साहब खुद आलिम है, और मौलाना अब्दुल कादिर मिसबाही जो अशरफिया से फारिग अभी मुफ्तियत पढ़ रहे हैं, मेरे पास पढ़े शुरू में, और भी हजरत हैं, हजरत सब लोग हैं। इसका तर्जमा ये होगा, मैंने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। तो मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ काय के लिए? इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब सुबह से शाम तक, पहले ये देखिए इबादत है क्या। पांच वक्त की नमाज पढ़ लेना सिर्फ यही इबादत नहीं है। पांच वक्त की नमाज पढ़ लेना सिर्फ यही इबादत नहीं है। ये तो इबादत है ये, मगर सिर्फ ये ही इबादत नहीं है। आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई कांटा है, पत्थर का टुकड़ा है, ईंट पड़ी है, कपड़े सनने वाली कोई चीज है, तकलीफ देने वाली लोगों को कोई चीज है, आपने वो रास्ते से हटा करके एक तरफ को कर दी ताकि मेरे बाद आने वाला कोई इंसान आए इससे तकलीफ ना उठा ले, तो ये हटाना भी इबादत है। अब जरा गौर करो, कितनों की तकलीफें दूर कर रहे हैं, तकलीफें दूर कर रहे हैं या दे रहे हैं, ये और जहन में रखिए। अल्लाह अल्लाह किसी गैर की तकलीफ तो दूर, अलग की बात रही, सगे भाई को सगा भाई सताने के लिए तैयार है। अगर बंटवारे का नंबर आ जाए, मामले का नंबर आ जाए, तो दिलों में इतनी जगह नहीं कि इतनी दीवार, अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी। जिन्होंने एक माँ का दूध पिया, एक बाप के खून है, मगर दीवार सीधी नहीं हो सकती, दिल में जगहें नहीं, दिल में जगह। पहले लोग सिर्फ नमाज पढ़ने से, हलाल खाने से, किसी को ना सताने से, शरीयत मुस्तफा पर चलने से वली हो जाते थे, और अब पांच वक्त की नमाज पढ़ रहा मगर मस्जिद की गेट पे झूठ बोल लिया। अब गिन के क्यों दे रहा हो? उधार थोड़ी आ रहा, 100 दिए थे, 150 मिले, ये बरकत हो गई। हमारा रिश्ता ऐसा ना, हम लोग हंस भी लेते हैं, वो तो आपको पता चली गया होगा। जहां दो दो तीन तीन महीने अल्लाह ताला गुरूर तकबर घुमंड रिया से बचाए, तारीख नहीं होती, 8 ही दिन में बुला लेते हैं, समझे? अगर मैं नहीं मिलने हो तो ये घर पे फोन कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे, आप लोग भी मोहब्बत से रहा करें। हुजूर सैयद शाहिद अली मियां जो रामपुर के काजी शरा वली सिफत आदमी, बहुत नेक जईद आलिम, उनकी एक बेटी मेरे घर में है और एक बेटी सैयद साहब के घर में। अब अगर मुझ तक पहुंच नहीं हो रही है तो ये वहां तक से, अब आप जानते हो घर वालों की कितनी चलती, सारी पूरी डिटेल मिल जाती है, मैं हूं कहां। बहरहाल अल्लाह ताला आपको, इनको सबको सलामत रखे। अब बात क्या चल रही थी? नमाज पढ़ेगा, ऐसा लगेगा बहुत अच्छा आदमी है, मगर गेट पे आते ही कच्ची फेंक जाएगा, गेट पे आते ही झूठ बोल जाएगा। इधर तो नमाज पढ़ी, इधर गेट पे झूठ। अच्छा, दूसरी, नमाज पढ़ के दिल बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाता है,
और इसका अब तक नहीं हुआ, ऐठ हुआ ही चल लिया खानदान वालों से। नमाज में भी ये सोच रहा है कि फलां दो लोगों में बहुत बन रही है यार, उन्हें तुड़वाना कैसे चाहिए। अब ये नमाज होगी, तुम मुझे किसी और को या और को धोखा तो दे सकता कोई, मगर अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दे सकता ना, या दे सकता? अल्लाह ताला दिल के हालात जानता है। ऐसे ही एक आदमी था जिसकी आदत इधर उधर इधर उधर करना थी, वो इस चक्कर में रहता था, एक के पांच बना लूं, एक के पांच बना लूं, कोई तरकीब हो, गला घोटना पड़े, कुछ भी करे। इत्तेफाक से वो थोड़ा पड़ गया, पड़ने के बाद इमाम हो गया, और इमाम भी हुआ वारी से पाक के इलाके में। कहा हुआ बोलो? अल्लाह अल्लाह, जब वो नमाज पढ़ा रहा, मुक्तदियों को पता नहीं, लेकिन वारी से पाक दिल के हालात जानते अल्लाह वाले थे। अल्लाह का वली दिल के हालात जाना करता है, वो नियत बांधते थे और दिल में ख्याल रहता था, यार आज तो कुछ भी आमदनी नहीं हुई, किसे पकड़ूं, बाजार को चलूं या खेत में चलूं। वारी से पाक पहले दिल गए, और जैसे ही गए नियत बांधी, वो नियत बांध के खेत पे टहलाता, वारी से पाक नियत तोड़ के चले आए, नियत तोड़ के चले आए, फिर गए नहीं नमाज पढ़ने। काफी दिन हो गए नमाज अपने वहीं पढ़ते थे, फिर कछौचा शरीफ के हुजूर अशरफी मियां पहुंचे। लोगों ने कहा वारी से पाक मस्जिद में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अल्लाह सर की नमाज सैयदजादे ने पढ़ाई, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो, आले रसूल ने पढ़ाई, हुजूर अशरफी मियां ने पढ़ाई, तो किसी ने वारी से पाक को दावत नहीं दी। जब देखा तो वारी से पाक पीछे खड़े थे। वाह वाह। तो फिर कहा ये तो बताओ, आप नमाज पढ़ने आते नहीं थे? बोले आज। बोले क्या करूं, इमाम साहब तो ताकतवर हैं, जवान हैं, और मैं कमजोर हूं, ज़हीफ हूं, बूढ़ा आदमी हूं, इतना दौड़ नहीं सकता जी। तो बोले क्या मतलब? बोले इमाम साहब तो नियत बांध के अल्लाहू अकबर कभी खेत पे तो कभी बाजार पे, और बोले मैं नियत बांध रहा हूं पीछे इस इमाम के, तो बोले मैं इतना का भागू, इसलिए मैं उजरे में ही पढ़ लिया करता था। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह नमाज ऐसे पढ़ो, सल्ली का अल्लाह का तरा, फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, अगर ये कैफियत पैदा ना हो सके तो इतना जरूर ख्याल रखना कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अब राज़ी लबादी क्या बोले, क्या बोले बता दूं? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। पीछे वालों अब तो बोली दो, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, फैजानी नमाज। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना,
ये खजाना है लुटेरों से बचाए बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लज्जत इश्क नबी दिल में छुपाए रखना। आज जा ईमान बचाए रखना, बचाए रखना, ये खजाना गलुटेरों से याद सरकार को सीने से, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, बसाए रखना, बसाए रखना। अल्लाह अल्लाह प्यारे जरा गौर करो, अल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना भी गुजरा, किसका महीना बोलो, रमजान शरीफ का। आप लोगों ने रोजे रखे ही होंगे और कुछ ने अंदर बैठ के खाया भी होगा, ऐसे भी हैं लोग। और बिरयानी की दुकान वाले तो अब तो पर्दा डालने लगे बिरयानी, ताकि जितने चोर डकैत हैं वो अंदर आ गए। बड़ी सपोर्ट चल रही है, अंदर आके बेहतरीन बोटियों से लगा के देता। रमजानुल मुबारक का महीना, सुनने की बात, जुमे का दिन था, कौन सा दिन था बोलो, मेरे नबी मिंबर शरीफ पे चढ़ रहे थे, काय पे चढ़ रहे थे, जुमे के खुतबे के लिए। अब जब मिंबर शरीफ पे पहला कदम रखा, नबी बोले आमीन, क्या बोले, अब सहाबा देख रहे हैं, आज तक नबी ने आमीन नहीं कही, लेकिन आज क्यों कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई वही नाजिल हुई हो कि आज से आमीन कहना है। चलो आगे देखते, फिर दूसरे सीढ़ी पे कदम रखा, खड़े हुए, बोले आमीन, फिर सहाबा चक्कर में, तीसरे पे फिर खड़े हुए आका, तो बोले आमीन। मेरे नबी ने खुतबा, नमाज, सारी चीजें हुई, सहाबा का जो तर्ज अमल था आका से मोहब्बत करने का, हाथों को चूमा, बोसा दिया, कदमों पे, माँ बाप हमारे कुर्बान, जुमले बोले सर पे, ये अपना तरीका सर पे हाथ रख, ये सब कुछ जो उनका तरीका था ताजीमन किया, और करने के बाद कहा आका हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आमना के लाल मुस्कुरा करके बोले तुम पूछोगे या मैं बता दूं। सुभान अल्लाह, नहीं बोलेगा सुभान, तुम धीरे बोलियो। आका बोले मैं बता दूं या तुम पूछोगे। सहाबा ने अर्ज किया आका हम आज कुछ अलग देखा, वो पूछना चाहते हैं। नबी बोले जानता हूं मगर पूछो। सहाबा ने अर्ज किया आका क्या कोई वही नाजिल हो रही थी आज तक आप इससे पहले मिंबर शरीफ पर चढ़े मगर आमीन नहीं का, आज आपने आमीन क्यों का, क्या मामला था। आका ये मामला समझ गए। मेरे नबी बोले आमीन कहां कही जी, कहां कही जाती आमीन, जब कोई दुआ मांगे, यही तो होता है, जब कोई दुआ मांगे तो आमीन कही जाती है। तो मेरे नबी ने फरमाया सुनो मेरे जान सारों, चाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैंने जब पहला कदम मिंबर शरीफ पर रखा तो हजरत जिब्रील आ करके दुआ करने लगे, तो मैं उनकी दुआ पर आमीन कह रहा।
سبحان اللہ کافر دوسرے پہ قدم رکھا پھر جبریل نے دعا کر دی پھر آمین تیسرے پہ قدم رکھا جبریل نے صحابہ نے عرض کیا آقا دعا کیا تھی وہ تو بتا دو یہ دعا بتانے کے لیے ہی میں نے یہ بات چھوڑی ہے بتا دو یا رہنے دو پیچھے والوں تم بتا اچھا ٹھیک ہے پہلے قدم پر جب پہلے سیڑھی پر میرے نبی نے قدم رکھا اگر عمل کرو گے تو بتاؤں گا ورنہ رہنے دوں گا بولو انشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا سنو میرے چاہنے والوں کلمہ پڑھنے والوں جب میں نے قدم رکھا جبریل نے دعا کی کا مولا جو تیرے محبوب کی امت میں لوگ اپنے ماں باپ کو پالے جل کے ماں باپ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے وہ خاک آلود یعنی ہلاک و برباد ہو جائے اللہ جبریل کی دعا اور نبی کی آمین اب رد ہو سکتی ہے کیا بولو نبی نے فرمایا کہ جبریل دعا کر رہے تھے اے اللہ اگر جو انسان اپنے ماں باپ کو پالے اور ان کی خدمت نہ کرے ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ برباد ہو جائے بولے میں اس پہ آمین کہہ رہا تھا آج کے بعد کوئی ماں باپ کو ناراض رکھے گا بولو آج کے بعد کوئی ماں باپ کو تکلیف دے گا آج کے بعد کوئی ماں باپ کو ستائے گا سنو تمہاری دعا تاج الشریعہ جیسی نہیں مفتی اعظم جیسی نہیں اعلی حضرت جیسی نہیں صابر پاک جیسی ہے کسی کی غریب نواز جیسی غوث پاک جیسی مگر نبی خود فرماتے ہیں ہاں ہے وہ کون ہے وہ ماں باپ ہے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے بے شک بے شک دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ اب ولیوں کے یہاں جاتے جاؤ الحمدللہ جانا چاہیے مگر تمہیں جانا چاہیے انہیں نہیں سمجھ گئے جاؤ دعائیں مانگو پتہ نہیں کس کے حق میں دعا قبول ہو جائے صحابہ نے عرض کیا آقا پھر کیا دعا ہوئی میرے نبی نے فرمایا جبریل نے پھر قدم رکھا اور کہا اللہ اگر کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر پائے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے اس پہ آمین اللہ اور کہا تیسرے پہ کہا یہ دعا کہی کہ جو نبی کا نام سنے اور نبی پر درود شریف نہ پڑھے نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے میں نے کہا تھا ایک درود پڑھ کر کے لوگوں نے ولایت حاصل کی بخشش چالی مجھے تاریخ مدینہ ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ 22 جلدوں میں جب میں لائبریری گیا میں نے دیکھی اس میں ایک واقعہ مجھے ہاتھ آیا اگر اجازت ہو تو سنا دوں بتاؤ